ईश्वरीय ज्ञान का दर्पण। फरिश्तों की मूरत, सुख शांति और पवित्रता की जननी, यहां वसुधैव कुटुंबकम का प्रत्यक्ष उदाहरण है। पांडव भवन के आंगन में ब्रह्मा बाबा के प्यार भरे पत्रों में, दादी प्रकाशमणि की पालना में, उनके मातृत्व स्नेह में, दादी जानकी जी, दादी गुलजार, नेतृत्व बदलता रहा लेकिन प्यार नहीं। बदलते समय के साथ इन घटनाओं का साक्षी बना एक ऐसा व्यक्ति जिन्होंने चुनौतियों के नए नए रंग को एक बल, एक भरोसे से निखारा है। मेरा वर्तमान समय भी ये अनुभव रहा कि उनके मन में यही रहता था कि हमारी जो दादी प्रकाशमणि जी हैं, मैं उनको फॉलो करूं। उन्होंने जितना सभी को सुख दिया उतना मैं सबको दूं। गुप्त रूप से अवतरित हुए भगवान को पहचानने वाली एक सच्ची गोपिका, जिन्होंने देश, धर्म, भाषा, संस्कृति और जाति की दीवारों को लांघकर भगवान को अपने हृदय कलश में बिठाया। देश विदेशों में सेंटर खोला हुआ, देश विदेश के भाई 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 बहने आते हैं, अलग अलग कल्चर से आते हैं, अलग अलग विचारधारा से आते हैं, परंतु उन सब को एक बाबा का तरफ इशारा दिलाना, उनको अच्छी रीति से सेवा करना, उनको समय प्रति समय सहयोग देना, ये उनके अंदर एक लक्ष्य है। जैसे लक्ष्य है उसका लक्षण भी उस दिखाई देते। परमात्मा का हाथ थामे इन्होंने शिव ध्वज को किसी भी परिस्थिति में झुकने नहीं दिया। जिनके इस रूहानी नशे और हौसले को ईश्वर भी बार बार नमन करता है। तो ये शिव बाबा की देन कहेंगे, शिव बाबा का वरदान कहेंगे, परंतु हाँ, जिस आत्मा ने इतना पवित्रता से, इतना त्याग वृत्ति से अपना सब कुछ बाबा के हवाले और दादियों की सेवा में समर्पित किया है, तो अवश्य बाबा उन आत्माओं को अनेक प्रकार के वरदानों से भरपूर करते हैं। 21वीं सदी में भले ही मनुष्य ने काफी अधिक प्रगति की है, परंतु एक सशक्त नेतृत्व के अभाव में हम कई प्रशासन तंत्र एवं सामाजिक संरचनाओं की पतन को देख रहे हैं। ऐसे में अब पहले से भी अधिक एक नवीन नेतृत्व की जरूरत है। एक ऐसा नेतृत्व जो समाज के सामने उदाहरण हो, जो श्रेष्ठ मूल्यों और सिद्धांतों पर आधारित हो। समय प्रति समय दादी को हर प्रकार का सहयोग देने के साथ साथ ब्राह्मणों की पालना भी देने में भी बहुत एक्यूरेट और मेमोरी पेपर बहुत तेज थी, हर आत्मा को पहचानती थी। इसके लिए इनके अंदर वो एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी स्वाभाविक रीति से आ गया। हमें एक उज्जवल भविष्य में ले जाने का कार्य एक विनम्र नेता ही कर सकता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसमें सरलता हो, प्रेम, दृढ़ता जैसे मूल्य विद्यमान हो। सब लोग सोचते थे इतना सारा काम, इतने सारे कैंपसेस, इतना सारा संभाल करना, हर चीज़ की, वस्तुओं की, स्टॉक्स की, भाई बहनों की, हर प्रकार के सीज़न में, ये कैसे करती हैं? तो बहुत सारे लोग यही कहते हैं कि वो कंप्यूटर जैसा उनका माइंड है, परंतु मैंने ये देखा है इसके पीछे एक खास उनकी विशेषता, और वो ये है,
कि वो व्यर्थ में नहीं जाती, वो अपना टाइम कभी वेस्ट नहीं करती फालतू चीज़ों में, और बिल्कुल जैसे दादी जी रहते थे तो न्यारा और प्यारा, ना किसी से दोस्ती ना किसी से वैर। ये एक ऐसी महामहिला की कहानी है जो एक आदर्श व्यक्तित्व से भी अधिक है। ये कहानी आपको नेतृत्व कला की ऊंचाइयों तक पहुंचने की प्रेरणा देगी। आप हैं बीके लक्ष्मी, जिन्हें प्यार से सभी मुन्नी दीदी जी कहते हैं। आप वर्तमान समय प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय की संयुक्त मुख्य प्रशासिका के रूप में कार्यभार संभाल रही हैं। बाबा के साथ इतना लाड प्यार था, बाबा ने खास मुन्नी बहन के अंदर जो क्षमता कहो विशेषता कहो उसको जान पहचान करके मुनि बहन को यज्ञ की जो स्टोर्स थी, चाहे वो कपड़े का स्टोर चाहे दूसरे स्टोर थे, फैंसी सामान का स्टोर, तो खुद मुनि बहन का हाथ पकड़ के साथ ले जा कर के वो सारा उनको दिखाया। आपकी उपस्थिति मात्र से ही कठिन से कठिन दिखने वाले कार्य बहुत ही सहज रूप से संपन्न हो जाते हैं। ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है जो मैं दादी प्रकाशमणि जी के साथ 40 साल रही। 16 साल की आयु में मैं इस यज्ञ में, महायज्ञ में आई थी और मुझे दादी जी के साथ रहने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। दादी जी के साथ रह कर के मैंने छोटे से छोटा बड़े से बड़ा हर कार्य सीखा। कदम पे कदम चल के, कंधे से कंधा मिलाकर चल के, और मैंने हर गुण हर शक्ति उनसे प्राप्त की। कभी भी मैं कोई भी गलती करती थी तो दादी जी मुझे बहुत प्यार से कहती थी, मुन्नी ये काम ऐसे नहीं ऐसे होता है। कभी भी उन्होंने गुस्से से जोर से बोलना ये सब उनके अंदर नहीं था। तो आज मैं जो इतना बड़ा बाबा का यज्ञ संभाल रही हूँ वो सब उनकी बदौलत है। उन्होंने मुझे हर छोटे से छोटा बड़े से बड़ा कार्य सिखाया और आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। और मैंने लक्ष्य भी रखा है तो मैं दादी जी द्वारा सिखाए हुए मार्ग पे चल कर के बाबा की बेहद सेवा करूंगी और बाबा और दादी का नाम रोशन करूंगी। ये मेरे जीवन का भी लक्ष्य है। अपने अंदर दादी जी की शक्तियां लिए उनकी मूरत बन। संस्था में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति के आने जाने, रहने खाने पीने से लेकर सारी व्यवस्थाओं का बखूबी संचालन करती है। सारे भारतवर्ष तो क्या, विदेश के हिसाब से भी हर स्थान को अपना टाइम देना, उनका आने की संख्या देना, मुझे तो लगता है कि जिसके पास अनेक कंप्यूटर्स भी हो, कंप्यूटर चलाने वाले भी हो, परंतु इतना सब कुछ मैनेज करना इतना सहज नहीं मानते। परंतु न केवल उनको इस तरह से टाइम टेबल को, डायरी को मैनेज करना सारे वर्ष के लिए, परंतु साथ ही साथ उसमें हॉस्पिटैलिटी केटरिंग का भी सब बातें देखना, हॉस्पिटैलिटी का भी सब बातें देखना, किचन की फैसिलिटीज़ का भी देखना, अकोमोडेशन का भी देखना, इतना तक जो जो टोलियाँ बनती है, स्वीट्स बनती है, सेवरीज बनती है,
टीचर्स मीटिंग्स के लिए खास वो सारा प्रबंध करना, आप सोच सकते हैं कि ये तो बिल्कुल बेहद का कार्य है। आज भले ही दादी हमारे बीच नहीं है, लेकिन आपने कभी भी उनकी कमी महसूस नहीं होने दी। दादी कॉटेज की शान को और उसकी परंपराओं को बखूबी और उसी तरह से कायम रखा है जैसे वो दादी जी के द्वारा हुआ करता था। कोई भी व्यक्ति महसूस नहीं करता कि दादी जी नहीं हैं, बल्कि वो दादी कॉटेज में जा करके दादी जी की प्रेजेंस और दादी जी का स्वरूप और उनके जो गुण विशेषताएं हैं वो बहन जी में देखते हैं। अपने विशाल हृदय में ब्राह्मण परिवार को समाकर उन्हें प्यार से सींचने वाली राजयोगिनी मुन्नी दीदी जी को ईश्वरीय परिवार की ओर से उनकी 75वीं जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और हमारी शुभकामनाएं हैं उनके जन्मदिन पर, बर्थडे पर विशेष बहुत बहुत मुबारक देता हूँ। हम आपको बहुत बहुत ग्रीटिंग्स देते हैं। हैप्पी बर्थडे दीदी। बर्थडे के शुभ अवसर पर हम सब बहुत 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 लाख लाख वधाई वधाई वधाई। हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू मुनी बहन। बोलो सभी मिलके बोलो, हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू मुनी बहन, हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू मुनी बहन।